لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيت من كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ومن ينصرني من الله إن غير اللهم صل على محمد محمد وعجل عليكم ورحمة الله وبركاته अल्लाह तबारक त शक्र है कि सग मुबाकूद की आयत नंबर तिरसठ की तिलावत का शक मैंने हासिल किया जिसमें हज़रत अलैहिस्सलाम ने जो फ़रमाया उसका तस्करा है क्या मेरी कौम तुमने इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने पालने वाले मालिक की तरफ से हक़ानियत की वाज दलील के साथ भेजा गया हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से ख़ास रहमत हिदायत अता की है तो अल्लाह के मुकाबले में, में मेरी मदद कौन कर सकता है अगर मैं उसकी नाफामानी करूँ कि तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय के कि मुझे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ हजरत साल के अर्षात का मतलब यह है कि अगर मैं उस इम के ख़िलाफ़ जो अल्लाह ने मुझे दिया है सिर्फ़ तुमको खुश करने के लिए गुमराही की ज़िंदगी इख्तियार कर लूँ तो सिर्फ़ यही नहीं कि तुम मुझे खुदा की पकड़ से ना बचा सकोगे बल्कि मेरा जुर्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सीधा रास्ता मालूम होने के बावजूद मैंने तुम्हें जानबूझ कर गुमह किया है ये तफही कुरान में लिखा हुआ है तफसी बैजावी ने आयत के जैल में लिखा कि हज़रत सलम का ये फरमाना कि अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ से खास रहमत अदा किए तो यहाँ ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है ख़ास रहमत से मुराद नबूवत और हमत है तफसिक माज़दी ने लिखा हज़रत सालम का ये उर्सात कि मैं अपने पालने वाले मालिक की तरफ से हकानियत की वाज दलील के साथ भेजा गया हूँ यानी मुझब तोहहीद की हकीकत पूरी तरह रोशन हो चुकी है अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती हैं वो इंसानी फितरत को बेदार करने के लिए होती हैं सुह मुबाक इब्राहिम के आयत नंबर बावन में शाद होता है हज़त बला से वल यून झगु बही वल यामा हुआ इलादूँ वल यालबाब क़ुरान लोगों के लिए एक पैग़ाम है ताकि इसके ज़रिए लोगों की तम्बी की जाए और वो जान लें कि मबू तो बस वो एक ही है नीज़ अक़ल वाले नसीहत हासिल करें ख़ुदा शरासी के मुहिश में बयान किया जा चुका है कि तमाम इंसानों की फितरत इस आलम की असल हकीकत यानी खुदा वंद मताल के साथ मुतनासब और हम आहंग है लिहाजा पैगम्बरों का असल हदफफ़ उस फितरत को बेदा करना और उससे गफलत और वसफ़से के शख्स से महफूज़ रखना है बहुत सी कुरानी आयात में रसूलों के इस काम को बेसत के अहदाफ़ में से शुमार किया गया है यहाँ तजक् का मतलब ये है कि इंसान पहले से इस बात को जानता है मसाल अल्लाह की वहदानियत को अकल व फितरत दर कर सकती हैं लेकिन कभी कभार ग़लत या वफफ़े की वजह से चश्मपोशी होती है ऐसे में अम्बियाँ इंसान की फ़ितरत को बेदाग करते हैं इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के अलावा उनके अक़ायद को पुख्ता और मस्तकम करने की कोशिश भी करते हैं मसकू आयत में कुरान को तबलीग और हक़ाक़ की याद दहानी के तौर पर पे पेश किया गया है हदीस इमाम अली है कि अल्लाह ताली ने अपने रसूलों को लोगों के दरमियान भेजा और अपने अम्बियाँ के सिलसिले को कायम किया ताकि वो उन्हें उनका फितरी अहद पैमान याद करवाएं और भूली हुई नमतें याद दिलाएं और अल्लाह का पैगाम पहुँचा कर उन पर इतमाम हजत करें और उनकी अकलों के ख़जानों पर पड़ी हुई गर्द वबार को साफ़ करें ये नहजुलबलागा का खुतबा नंबर एक है हमें बता दिया गया है कि अगर तुम अपना इलाज खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ब्याक की जल्सतर शफ़ा दो तो सौ चौरासी पर लिखा हुआ है इमाम अलीलाम की यह हदीस तकवा तुम्हारे कल्ब वगूह के दर्द की दवा तुम्हें ना बिना आँख के लिए वसारत है जिसम के मर्ज़ के लिए शफा है तुम्हारे सीनों के लिए मसलहत और तुम्हें गंदगीों और आलदगीों से पाक करने का बायस है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته